Good morning students, welcome to our English class. In today's English class we will learn the grammar portion. Okay, English grammar. In the English grammar I will teach you pronouns. Pronouns, nouns to aapko pata hi hai, name of place, things, persons, animals, birds. Okay, that is the noun. What is noun? Noun kya hai? Names of the person, place, things, animals and birds. जो जो उनके names होते हैं वो क्या है? Nouns. The naming words is noun. अभी अपन pronoun पढ़ते हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? Pronoun. Pronoun. The definition is a pronoun is a word that is used instead of noun. Pronoun is a noun that is used in a place of noun. जो noun होता है उसके बदले में, जैसे कि बार बार अपन को नेम बार बार ऐसा यूज करते ना, राम, माई नेम इज राम, राम इज अ गुड बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट. तो बार बार अपन यूज करते ईच एंड एवरी लाइन वी आर यूजिंग द नेम राम नाउ. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज ही. अभी कोई ही बॉय हो तो ही, गर्ल हो तो शी, ऐसे अपन यूज कर सकते हैं. इसलिए उस नाम के नेम के बदले में अपन कभी आई, ही, शी, एक पर्सन के लिए यूज होता है. सिंगुलर पर्सन, क्या सिंगुलर यानी कि सिंगल, सिंगल पर्सन इंसान है ना, उनके लिए क्या क्या यूज होता है उस नाउन के बदले में. इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑफ नाउन, I, he, she. I तो अपन खुद के खुद को बोलते हैं. क्या बोलते हैं अपन को खुद को? I am a girl, I am a woman, I am a teacher, है ना, खुद के बारे में बोलना. I. H, he. What's the meaning of he? He किसके ऊपर है ना होता है, अपन किस चीज को neglect करके उस जगह पे he use कर सकते हैं. Boys, कोई भी male gender होता है, कोई भी मेल जेंडर होते हैं, मेल होते हैं, नेम मेल के नेम होता है तो उसको हटा के अपन वहां पर क्या ही यूज कर सकते हैं. ही का यूज होता है मेल के जेंडर. जैसे कि राजू इज ए गुड बॉय, तो राजू क्या बॉय, तो उधर क्या राजू को हटा के भी अपन ही लिख सकते हैं, ही इज ए गुड बॉय. नेक्स्ट, यस, हेच, ही, शी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शी? शी का भी यूज होता है फीमेल, कोई भी फीमेल की जगह पे. इंस्टेड ऑफ फीमेल नेम वी विल यूज शी. फॉर एग्जाम्पल, पूजा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पूजा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस पूजा की जगह पे अपन शी यूज कर सकते हैं. यस हैच ही शी, यस हैच ही शी, आई, ही, शी. ये तीनों चीज सिंगुलर पर्सन यानी कि सिंगल पर्सन अपन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आई टी इट. इट का भी यूज होता है आई टी इट यानी कि कोई भी थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स या कोई प्लेस. ओके, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेस, उस जगह को हटा के अपन इट ले सकते. द काउ इज द डोमेस्टिक एनिमल, तो उधर द काउ को हटा के अपन क्या लिखना है? इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल. पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ऐसे बोलते ना, तो उधर पिकॉक को हटा के भी इट इज अवर नेशनल बर्ड ऐसे ले सकते. तो इसमें भी इट है ना, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड, प्लेस, उसको उस प्लेस को रिप्लेस करने के लिए इट यूज होता है. एंड देखिए वो भी सिंगुलर में होता है, किसमें होता है? सिंगुलर. इट भी सिंगुलर पर्सन में यूज होता है. नेक्स्ट, दे, वी, टी, हैच, टी, वाई, दे, डब्ल्यू, ई, वी, तो ये दोनों है ना प्लूरल पर्सन में यूज होता है या कोई प्लूरल्स में होता है.
अपन बोलते ना राम एंड राजू आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो राम एंड राजू के बदले में क्या लिख सकते हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। कोई भी दो नेम्स होते हैं या कोई दो चीज होती है तो उधर उनको रिमूव करके उस जगह पे अपन को उस नाउंस को रिमूव करके रिलेट करना है प्रोनाउन। उस जगह पे कौन सा प्रोनाउन लगता है, दे। व्हाट द प्रोनाउंस विल बी यूज्ड, व्हिच वर्ड विल बी यूज्ड इन द इंस्टेड ऑफ द टू नेम्स, दे। अभी मैं बोल रही हूँ और मेरे सामने कोई भी होता है तो वी, मेरे पास में कोई खड़ा होता है तो मैं बोल सकती हूँ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे भी बोल सकते। यू, आई एम मंजू, यू आर अप, तो यू यूज होता है उधर भी तो उसमें भी प्लूरल हो जाते हैं, मैं भी हूँ सेंटेंस में और आप भी हो तो उधर भी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। एंड वन मोर थिंग, सी, आई ही शी, इस जगह पे कभी भी क्या यूज होना चाहिए उसके साथ, अभी अपन ही आई शी होता है ना, आई में तो आपको पता ही है ऑलवेज ए एम एम, क्या होता है आई के पास आई एम बोलते, आई एम बोलते है ना, आई एम। तो ही और शी में क्या यूज होता है, इस होता है आर होता है, आपको मैंने प्रेप क्लास में भी ये चीज सिखाई है, ही एंड शी, तो उसमें है ना आपको आई एस यूज होता है, क्या होता है आई एस इज, क्या यूज होता है आई एस इज, ही इज ए गुड बॉय, शी इज ब्यूटिफुल गर्ल, तो है ना आई एस इज। नेक्स्ट इट, इट भी सिंगुलर होता है तो इसमें भी इट इज आई एस इज, आई एस इज, दे वी यू, यू भी होता है बच्चों, तो इस तीनों में क्या यूज होता है, ए आर ई आर, दे आर, वी आर, यू आर। तो आर कहां पे यूज होता है, जब भी ये वर्ड यूज करते थे उसके पास में दिस, नेक्स्ट दिस वर्ड विल बी यूज इन द प्लूरल फॉर्म्स, कभी भी प्लूरल्स में आर होता है और सिंगुलर्स में आई एस इज होता है, एंड आई के साथ एनी टाइम एम होता है, एनी टाइम एम होता है। एंड स्पेशली सेकेंड क्लास आपके पेज नंबर 53 में ये वाला टेबल दिया हुआ है, रिमेंबर द यूसेज, कभी भी अपन यूज करते हैं ना तो ये आपको भूलना नहीं, कभी भी ये चीज ऐसे कैसे होती है और आपको याद रखना, ही शी इट होता है तो इज होता है यूज, आई होता है तो आई के साथ एम ही यूज होता है, यू दे वी, तो उनके साथ कभी भी आर ही यूज होता है। ओके, सी कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख के आपको बता देती हूँ, सिर्फ
Sadhana is my best friend. Sadhana is my best friend. She is my classmate. Sadhana is my best friend. She is my classmate. Sadhana. You to and identify the things. Thank you.